हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिजीत। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ लेके आया हूं, जो कि है क्रिएटिव कॉमन वीडियो आप अपने यूट्यूब चैनल पर फ्रीली कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको जानने के लिए आप अपने मोबाइल से ही ये क्रिएटिव कॉमन वीडियो आप अपने यूट्यूब चैनल पर डाल सकते हैं और उसे मोनिटाइज भी कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए ज़रा देर ना किए शुरू करता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आगे चल के थोड़ा ज़्यादा कर पाऊँ, इससे भी ज़्यादा मज़ेदार आपके लिए ला पाऊँ। तो आप इसके लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं, ये आपको पहले जाना होगा प्ले स्टोर में। जाने के बाद आपको सर्च करना होगा, जो ये ऊपर लिखा हुआ है फ्लैश फॉक्स, ये आपको FLASFOX करके सर्च करना होगा। इसे आप सर्च कर लीजिए और अभी ये जो ऊपर वाला एक मास्क जैसा आ रहा है उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो देखिए, मैंने पहले से इसको इंस्टॉल करके रखा है ताकि टाइम बच जाए। ठीक है, इसे मैं जल्दी से जल्दी ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद आपको ऊपर सर्च के बार मिल जाएगा, जो उस पर आप सिंपली लॉग इन टू यूट्यूब और यूट्यूब सर्च करने से आपको आ जाएगा। देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यूट्यूब लॉग इन करके इन ओके। तो देखिए, सर्च कर लेता हूँ। तो ये यूट्यूब का साइन इन यूट्यूब आ गया है। तो ऊपर इसमें क्लिक कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा लैपटॉप जैसा और कंप्यूटर जैसा दिखेगा। तो आपको पूरी तरह से सब कुछ कर पाएंगे आप। पहले से ही मेरा चैनल, अभी जो टेक्नो एंटरटेनमेंट चैनल का भी आ गया है, मेरा चैनल है ये। तो ये इसमें आपको मैं अभी सिखाऊंगा कैसे आप कॉमन क्रिएटिव वीडियो को अपने मोबाइल से ही अपलोड कर सकते हैं, और बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये हम जैसे जूनियर यूट्यूबर यानी फ्रेश यूट्यूबर के लिए ही दिया गया है ये सिस्टम। तो मैं भी बहुत इसका यूज़ करता हूँ, लाभ उठाता हूँ। तो देखिए, मैं कैसे इसे करता हूँ। तो आप मैं अभी इसे हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ मोबाइल को। नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं किया है, नहीं करने से फिसल जाएगा। देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, आपको ये पूरा यूट्यूब जो है, ये पूरा लैपटॉप में या कंप्यूटर में खुला हुआ जैसा आ रहा है। तो ये यूट्यूब के बटन जो मैंने अभी जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, यूट्यूब के जो इसमें तीन लाइन है, देख रहे हैं आप, उसमें आप क्लिक कीजिए। तो क्लिक करने के बाद आपको आ जाएगा माय चैनल। ये देखिए, माय चैनल आ गया। तो माय चैनल पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। देखिए, तो मैंने माय चैनल पे क्लिक कर लिया है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अभी एरर कार्ड दिखा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करते हैं। ऐसा दिखाता है कभी कभी, क्योंकि ये मोबाइल पे ही होता है ना, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत दिखाता है कभी कभी। ये तो आ गया है, देखिए अब ये तो लैपटॉप में भी होता है, तो वही बात है। तो देखिए, अब मेरा ये चैनल आ गया है, माय चैनल पे आ गया हूँ। तो मैं इसे फिर से जूम कर लेता हूँ और देखिए, आप फिर एक बार देख लीजिए कैसे आता है ये। तो ये मेरा वीडियो से ऊपर लाइन में, नीचे ये मेरा वीडियो का प्लेलिस्ट है और बाकी सब है। तो देखिए, मैं अभी क्या होता, ऊपर आप देखिए, मैं इसे जूम कर लेना थोड़ा और ऊपर जाता हूँ। ऊपर जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, वीडियो मैनेजर लिख करके आ रहा है। तो आपको सिंपली उसमें क्लिक करना है। देखिए, मैंने वीडियो में जब क्लिक कर दिया है, तो देखते हैं इसमें क्या आता है। तो देखिए, आप अभी जो आ रहा है वो है ये डैशबोर्ड, क्रिएटर स्टूडियो में आ रहा है डैशबोर्ड। ये बाई तरफ देखिए आप डैशबोर्ड, यू वीडियो मैनेजर, वीडियो प्लेलिस्ट, कॉपीराइट नोटिस, लाइव स्ट्रीमिंग एंड कम्युनिटी चैनल, एनालिटिक्स, ट्रेंड्स, ये सब आ रहा है। तो आपको जाना है क्रिएट में, क्रिएट दिख रहे हैं उसके नीचे, बिल्कुल नीचे। तो क्रिएट में आपको जाना है। क्रिएट में जाने के बाद आपको ये दिखाएगा। देखिए, आप तीन भाग से आ गया, ये विंडो ओपन हो जाएगा। तो देखिए, क्रिएट के नीचे है क्या है, ऑडियो लाइब्रेरी, म्यूजिक पॉलिसीज एंड वीडियो एडिटर। तो इसमें आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा। ये देखिए, क्रिएट में क्या क्या है, म्यूजिक पॉलिसीज, वीडियो एडिटर। तो आपको सिंपली जाना है वीडियो एडिटर में। ठीक है, वीडियो एडिटर में आप
क्लिक कीजिए, तो क्लिक करने के बाद आपको ये मिल गया, ये आ जाएगा। तो ये देखिए आप बिल्कुल खुल गया है हमारा, तो अपना आपका वीडियो ही दिखाएगा इसमें। तो आपको ये क्या करना है, आपको सिंपली इसे ऐसे जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। फिर से ये देखिए, ये मैंने जूम कर लिया है। जूम करने के बाद आपको ये वीडियो का जो सिंबल है उसके बाद बिल्कुल बाद सीसी का एक सिंबल आ रहा है, जो उसमें उसका इसका फुल फॉर्म है क्रिएटिव कॉमन। तो ठीक है, उसमें क्लिक करते हैं। देखिए तो क्रिएटिव कॉमन है, ये जो अभी वीडियो जो शो हो रहा है नीचे वो क्रिएटिव कॉमन के लिए है। ये आप बिल्कुल फ्रीली यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियो की तरह, तो आप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप इसे मोनेटाइज भी कर पाएंगे और बाकी जो जो करना है सभी कुछ कर पाएंगे, बिल्कुल अपनी वीडियो की तरह यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको सर्च बार भी दिख रहा है नीचे बिल्कुल कॉमन क्रिएटिव के सिंबल के नीचे जो सर्च बार है उसमें आप कुछ भी सर्च करके, जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूँ फाइट्स। ठीक है, तो फाइट्स मैंने सर्च कर लिया है, कर रहा हूँ, देखते हैं क्या आता है। इसमें आपको सर्च करना है, तो सर्च करने के बाद ये देखिए फाइल्स वगैरह ये सब आ गया है। ये देखिए नीचे ये सब फाइल्स वगैरह आ गया है। देखिए अब कितना सारा आपके लिए फ्री ये सब आ रहा है। तो मैं एक इसमें से कुछ भी फाइल चूज कर, डेली गर्ल फाइल्स ये वाला थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे। तो अब देखिए इसे आप यहाँ प्ले करके देख भी सकते हैं, और ये देखिए मैं अभी इसे प्ले करता हूँ, ये प्ले के बटन पर क्लिक किया तो ये प्ले होगा। प्ले कहाँ होगा, इसमें होगा, ये देखिए देख रहे हैं यहाँ पे प्ले हो रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, इसको अगर आप अपने चैनल पे अपलोड करना चाहते हैं तो इसे देखिए, इसमें तरह ये प्लस सिंह का जो आ रहा है बिल्कुल ऊपर दाएं की तरफ, बिल्कुल ऊपर प्लस सिंह जो आ रहा है इसमें आपको क्लिक करना होगा ऐसे ऐसे। तो ये देखिए आप अभी ये ऐसे सर्कल जैसा जब आ जाएगा, सर्कल नहीं है इसके पूरे कवर के प्लस सिंह का जो कवर हो गया हो जाएगा, तब आपको सिंपली क्या करना है, आपको बैक ऐसे जाना है, जूम को जूम आउट करना है और जाके क्रिएट वीडियो जो ऊपर बिल्कुल ऊपर दिख रहा है ना ब्लू कलर में जो है उसको क्लिक करना है क्रिएट वीडियो में। तो इसमें क्लिक करने से आपका वीडियो आपके जो चैनल है उसमें अपलोड हो जाएगा ना। आपको उससे पहले आप अगर चाहे तो अपने ये सब नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल ऊपर ये लिखा है माय एडिटेड वीडियो लिखा हुआ है, ये जो बाएं की तरह ऊपर वो स्क्रॉल बार में ये देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ ये वाला लिखा हुआ है। तो इसे आप एडिटेड वीडियो की तरह रियल स्ट्रीट फाइट लिख दिया मैंने, तो ये हो गया। और बाकी अगर आप चाहें तो और यहाँ कुछ भी कोई भी नहीं है सेंस करने के लिए, तो ठीक है अब हम क्रिएट कर देते हैं उसे। ऐसे जाके आप ये ब्लू कलर में जो है ये वाला ये क्रिएट वीडियो में क्लिक करना होगा, तभी आपको क्या कहेगा, अभी आप रुकिए थोड़ा देखेंगे क्या होता है। तो ये देखिए आप यू आर प्रोसेसिंग दिस वीडियो चेक बैक लेटर, ये बोल रहा है कि आप थोड़ा वेट कीजिए, हम इस वीडियो को प्रोसेस करके आपके चैनल में डाल रहे हैं। तो ऊपर आपका प्रोग्रेस दिखाएगा जो है, ये मेरा प्रोग्रेस 90% डन हो गया है, सिट टाइट योर वीडियो एडिट्स आर अबाउट 90%, कम बैक टू दिस पेज इन अ लिटिल वाइल। देखते हैं अभी क्या होता है। तो अभी फिर से हम अपने चैनल पे जाते हैं, ये देखिए हम फिर से चैनल पे माय चैनल पे क्लिक करते हैं, तो उसके बाद माय चैनल पे क्लिक करने के बाद अभी वीडियो मैनेजर में जाते हैं। ठीक है, वीडियो मैनेजर, तो ठीक है वीडियो मैनेजर में जाते हैं, देखते हैं हमारा वीडियो ऐड हो गया। ये देखिए हमारा वीडियो बिल्कुल भी ऐड हो चुका है, ये स्ट्रीट फाइट जो है इसको आप एडिट कर सकते हैं। एडिट पे ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आपको टैग्स भी डाल सकते हैं और इसे इसका जो आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। तो ऐसे ही आप अपने वीडियोस को दूसरों की वीडियो को आप
अपने YouTube चैनल पे डाल सकते हैं और मोनेटाइज जो भी हो कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी मोनेटाइज नहीं कर सकता क्योंकि मेरा व्यूज ही 10,000 नहीं हुआ है, मेरा चैनल ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। तो अगर आप चाहेंगे तो मेरा चैनल भी आगे बढ़ेगा, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि मुझे इतना यूट्यूब चलाना आता नहीं है। मतलब मैं अभी सीख रहा हूँ यूट्यूब को, यूट्यूब में वीडियो डालना, इसीलिए आपको भी साथ साथ में सिखा रहा हूँ जो न्यू यूट्यूबर्स है मेरे जैसे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मैं भी आपके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू। हाँ।